सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोषी अक्षय कुमार सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद निर्भया की मां ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। निर्भया बलात्कार मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस याचिका पर फैसला सुनाया। इस पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना भी शामिल थे। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें मानवता रोती है और ये मामला उन्हीं में से एक है। मेहता ने कहा, कई ऐसे अपराध होते हैं जहां भगवान बच्ची को न बचाने और ऐसे दरिंदों को बनाने के लिए शर्मसार होते हैं। ऐसे अपराधों में मौत की सजा को कम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो होना तय है उससे बचने के लिए निर्भया मामले के दोषी कई प्रयास कर रहे हैं और कानून को जल्द अपना काम करना चाहिए। दोषियों की ओर से पेश हुए वकील एपी सिंह ने अदालत से कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु और जल प्रदूषण की वजह से पहले ही लोगों की उम्र कम हो रही है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 9 जुलाई को इस मामले में 3 दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि इनमें 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2012 की रात में छात्रा के साथ चलती बस में 6 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके सड़क पर फेंक दिया था। इस छात्रा की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस मामले के 6 आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग था जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। इस आरोपी को सुधारगृह में 3 साल गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया था।